और अभी मेरे साथ सबसे बड़ा वाला पोपट हुआ है। अभी मैं कैमरा लेकर आ गया छत पे, और इसके बाद है ना वीडियो रिकॉर्ड करने लगा ठीक। इसके बाद है ना था दो चार मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, मैं देखा भी नहीं। और जब वीडियो जब रिकॉर्ड हो गया उसके बाद वीडियो चेक करता हूँ तो है ना कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड ही नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज सुबह से ही मौसम था प्राइम, पूरा बादल लगा हुआ है। अभी के टाइम पता नहीं, आज मौसम का कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुछ कभी गर्मी पड़ जाता है, कभी इतना बादल लग जाता है, और पता नहीं आजकल क्या मौसम का हाल चल रहा है। कभी 40 डिग्री सेल्सियस, कभी 25 डिग्री सेल्सियस, तो मौसम का कभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी मैं सो के तो जल्दी उठ गया था, मैं ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि सो के उठा फिर ना वीडियो अपलोड करना था, रात में करने सो गया था मैं। तो अभी वीडियो अपलोड किया और पापा इस घर पर, यहाँ पे जो गमला है इसमें ये मिर्च का पेड़ है, मिर्च का और कुछ फूल का भी है। तो इसमें है ना पूरा पापा पानी डाले, फिर ये जो नल है ये नल को भी ठीक किए पापा अभी। और क्योंकि पहले ये नल यहाँ पे नहीं था, तो पापा ऊपर से पानी लाते थे, तो उसमें था प्रॉब्लम होता। तो अभी नल ये लगा है, तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है। तो अभी जाएंगे, ब्रश करना है, नहाना है, फिर दुकान पे जाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, फिर दुकान पे आएंगे। और पूरा दिन आज फिर से दुकान पे रहना है। और 12 जून को मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, पटना से फ्लाइट रहेगा मेरा बेंगलोर के लिए। तो उसका आज टिकट भी बनाना है, तो बेंगलोर मैं और अभिनंदन जाएंगे दोनों साथ में ही, तो 2 टिकट बनाना पड़ेगा। तो इधर से फ्लाइट से जाएंगे और उधर ट्रेन से आएंगे। और वहाँ बेंगलोर में 19 को इंडिया और साउथ अफ्रीका T20 मैच है, तो वो भी देख लेंगे वहाँ पे जाके। और फिर वहाँ पे जाके ट्रैवलिंग ब्लॉग, फिर वहाँ पे जाके और कुछ जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। तो इस बीच आप मिस मत करना कैसा। और ये अब तो सारा ब्लॉग एंड DSLR कैमरा से ही शूट करूँगा मैं, इससे क्वालिटी भी था सही आता और एडिट करने भी सही होता है। मोबाइल से तो अब तो वो पहले से है ना ब्यूटी वाला कैमरा आ जाता है, और DSLR से तो रियल का आता है, तो इसी से सब शूट करेंगे। और इसका साउंड भी अच्छा आता है DSLR का, क्योंकि इसमें माइक लगा रखे हैं, तो इसका साउंड। और अब से शायद मैं दुकान पे ब्लॉगिंग ना करूं, तो क्योंकि दुकान पे जब ब्लॉगिंग करता हूं तो साइड से जो गाड़ी उड़ी जाता है, तो उसका साउंड ज़्यादा आ जाता है, जिस वजह से मेरा साउंड था ख़राब हो जाता है। आप लोग बोलते हैं साउंड ही नहीं आ रहा है, तो अब से दुकान पे ब्लॉगिंग नहीं करूँगा। तो सुबह के टाइम में ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, और शाम के टाइम में अगर पापा रहेंगे तो इधर उधर कहीं बाहर, हसनपुर के बाहर या हसनपुर में ही कोई ऐसा जगह जहाँ पर आपको दिखा सकूँ कुछ, तो वहाँ जाके ब्लॉगिंग करेंगे। तो अभी चलते हैं रेडी होने, और रेडी होके फिर शाम में मिलते हैं। हे गाइस, अभी शाम के बजे 6:30, और अभी मेरे साथ सबसे बड़ा वाला पोपट हुआ है। अभी मैं कैमरा लेकर आ गया छत पे, और इसके बाद है ना वीडियो रिकॉर्ड करने लगा ठीक। इसके बाद है ना था दो चार मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, मैं देखा भी नहीं। और जब वीडियो जब रिकॉर्ड हो गया उसके बाद वीडियो चेक करता हूँ तो है ना कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड ही नहीं। फिर गया अभी नीचे गया, फिर मेमोरी कार्ड लाया। तो अभी चलते हैं अपने अड्डा पे, ऊपर सारे छत के एकदम टॉप पे।
जो यहाँ पे मैं डेली शाम को यहाँ पे आता हूँ और थोड़ा देर बैठता हूँ। यहाँ आते ही एकदम अलग सुकून आने लगता है, एकदम ठंडा हवा चलने लगता है। जो हमारे घर के पीछे नदी है उससे वहाँ से अच्छा हवा चलता है शाम को, तो यहाँ आते ही एकदम लग रहा है हाँ सारा थकावट ख़त्म। तो अभी यहाँ पे अभी थोड़ा देर बैठेंगे और मेरे साथ मौसम भी है। हाय। तो मैं भी यहाँ बैठता हूँ और मेरे साथ मौसम भी डेली यहाँ बैठती है। तो अभी थोड़ा देर यहाँ बैठे अभी छत पे बैठे बैठे 40 मिनट बीत गया, पता भी नहीं चला। तो अभी तो अंधेरा भी हो गया है, तो चलते हैं नीचे। और छत पर से भी हो गया पूरा, और टाइमलेस वीडियो ही था, थोड़ा ही बना है तो उसको भी एडिट करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं अब नीचे। तो अभी रात के 8 बज गए हैं, तो मैं अभी दुकान बढ़ा के और अभी घर पे आ गया हूँ। तो अभी यहाँ घर पे चाबी रखेंगे दुकान का, उसके बाद जाएंगे अभिनंदन से मिलने, क्योंकि आज बेंगलोर जाने का टिकट भी बन गया है और मेरे साथ अभिनंदन जाएगा। तो वो बोला है थोड़ा मैंने मिलने के लिए, तो अभी उससे मिलने जाएंगे। तो अभी अभिनंदन के पास आ गए हैं, तो ये भी अभी दुकान अपना बढ़ा रहे हैं, मैं बंद कर रहे हैं। तो ये अपना सारा सामान भी है ना पूरा अंदर कर लिया है, बस थोड़ा सा बाकी है। तो ये अभी बंद करके फिर चलेंगे, शायद अभी 9 बज गया है, तो हो सकता है घर भी जा सकते हैं या थोड़ा अभी थोड़ा घूम भी सकते हैं। तो देखते हैं सब क्या होता है आगे, और घूमने का मन होगा तो थोड़ा घूम भी लेंगे, क्योंकि बाहर हल्का हल्का हवा भी चल रहा है ठंडा सा। तो अभी पूरे दिन का जो थकान है वो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा पर और सोने में भी। तो अभी यहाँ से जाएंगे घर, और यहाँ सब कुछ हो जाने के बाद घर जाएंगे, तो इसके बाद खाना खाएंगे, इसके बाद वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।